सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आपने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा और वो देख के आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हो कि मैं 100% श्योर हूँ। और यार आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही लिक्स बताने वाला हूँ कि भाई ऐश पकड़ने वाला है लुकारियो को। तो यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं भी हूँ, आप भी हो, कि यार लुकारियो एक फैन फेवरेट पोकेमॉन है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस न्यूज़ और इस लीक को जल्दी से रिव्यू कर देते हैं। सो यार विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो, अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आप चाहते हो कि ऐश लुकारियो को पकड़े। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। चाहे लंबी हो लड़ाई, जीता कौन याद रहना पाए, मैं तो लड़ूंगा, हाँ ये सपना तो सच होगा, चलता ही रहेगा। सो गाइस, मेरे को और आप सबको पता ही होगा कि भाई एपिसोड 10 में हमारे हीरो ऐश ने पकड़ लिया है सुडुलेंडी पोकेमॉन ड्रैगनाइट को। पर यार उसके पहले एक न्यूज़ आई थी, या फिर एक कह सकते हैं कि एक लीक आई थी कि भाई बहुत सारे वहां पे केक स्टफ रखे हुए थे पोकेमॉन वाले कंपनी ने, तो उसमें था ग्रुकी, सोबल और स्कॉर्बनी, और उसके साथ ही साथ थे मिस्टर माइम और ड्रैगन एयर, और हो भी था। हो तो हमें खैर पहले एपिसोड में दिखाई दिया गया था, शुरू के एपिसोड में, और भाई ड्रैगन एयर था। हम सबको लगा था कि भाई जो गो है वो ड्रैगन एयर पकड़ेगा, पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ कि भाई हमारे हीरो ऐश ने ड्रैगन एयर को पकड़ लिया। हालांकि हम बोल सकते हैं कि भाई उसने इवॉल्व करके ड्रैगन नाइट में पकड़ा, तो भाई बहुत बड़ी लीक थी ये, और भाई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। और भाई ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और यह भाई ऐश के जो फैन काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, और ये भाई बहुत अच्छा चला ये एपिसोड। उस एपिसोड के ठीक बाद उन्होंने एक और इमेज डाली जो कि थी एक मर्चेंडाइज, और मर्चेंडाइज में आपको पता नहीं होगा कि भाई तीन पोकेमोन थे, मिस्टर माइम, ड्रैगन एयर, और उनके साथ ही साथ था रियोलू। तो यार रियोलू के साथ कुछ संबंध हो सकता है ऐश का, और यार भाई 90% मैं बोल सकता कि भाई रियोलू पकड़ेगा ऐश, और रियोलू अगर उसने पकड़ लिया तो 101% वो इवॉल्व करेगा लुकारियो को, क्योंकि भाई लुकारियो जो इवॉल्व होता है, रियोलू जो इवॉल्व होता है वो फ्रेंडशिप से होता है, और हमें और आपको पता है कि भाई ऐश की हर एक पोकेमोन से कितनी ज़्यादा फ्रेंडशिप है। वो ऐसा भी एक भी पोकेमोन नहीं होगा कि बिना फ्रेंडशिप के वो भाग गया हो, हालांकि बेलीफ की बात अलग है। तो भाई ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ और लीक निकल के आ रही है, हालांकि भाई ये सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है, पर मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर ने इसको रिव्यू कर दिया, तो यार 90% भाई ये न्यूज़ सच है। तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई है या फिर आप चाहते हो ऐश लुकारियो को पकड़े तो लाइक करो, और यार चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो। सो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।